साथ ना दिमाग अरे फिर से लड़ पड़े यार। हजार बार बोल चुकी इस बात को मैं। तेरे को मैंने बता दिया टाटा कंपनी बढ़िया है, बीच में ना बहस नहीं करते। मैं अच्छे से सोचे चल रहा हूँ गाड़ी घर के लिए बहुत बढ़िया टाटा है, उससे बढ़िया गाड़ी बैठा लेना। क्या कि बोल दिया ना ये हेक्टर आएगी, यही आएगी एमजी की जिसमें ये बड़ी स्क्रीन लगी पड़े, जिसके बोलने से वो बात सुन के काम करती है। मैं तेरे को कह रहा हूँ टाटा हैरियर मैंने फैमिली बात कर ली, पापा भी टाटा हैरियर बोल रहे हैं, जितनी करते हैं। पापा से मेरी बात हो गई है, आज ज्यादा पापा का झूठे नाम मत लगाया करो घर के अंदर। पहले तो ये बता दूं आपको, एमजी हेक्टर आएगी और कल के कल आएगी बोल रही हूँ मैं, और नहीं आई तो बता दूंगी अपने तरीके से। ये घर में क्या हो रहा है, ये घर में क्या हो रहा है, मेरा है तेरा, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या है? मैं टाटा हैरियर बढ़िया गाड़ी है तो तेरे को इसमें क्या क्या इसके अंदर एक्टर में ऐसा क्या है ये बता पहले तो, क्या क्या मैटर है ये जो स्क्रीन लगी है ये बोलती है, मैं इसको कुछ बोलूंगी ना ये बात मानेगी। स्क्रीन को चलाना तो ना गाड़ी को चलाना है। आपको क्या दिक्कत हो रही है पहले ये बता दो, आपको दिक्कत क्या होती है दूसरे की खुशी से, मेरे को ये बता दो बस, यही चाहिए मुझे समझ में आएगी। और कल के कल मेरे बर्थडे वाले दिन आनी चाहिए और मैं ही चला के घर लेके आऊंगी, मैं तो बता दिया यहाँ पे परेशान कर रखा है यहाँ पे, इतनी बढ़िया गाड़ी है मेरे को तो यही चाहिए। और ये भाई जीजा भी टाटा हैरियर बोल रहा है, मेरा कजन भाई भी टाटा हैरियर बोल रहा है, तो एमजी हेक्टर बोले जा रही है। अरे पहले नॉलेज तो है नहीं किसी की गाड़ी होती क्या है, गाड़ी किस लिए होती है, गाड़ी की मजबूती क्या होती है, गाड़ी के फंक्शन क्या होते हैं, तब तो गाड़ी दिखती बड़ी स्क्रीन लेनी है, बड़ी स्क्रीन चलाएगी गाड़ी के अंदर। एक बात बताना, आपको जीजा के साथ जिंदगी गुजारनी है, ये किसके साथ, चाचा के साथ या दादा के साथ या किसके साथ, मेरे साथ गुजारने था, मेरी वाली गाड़ी आएगी घर के अंदर और ये स्क्रीन आई, ये कम से कम बात तो सुनती है किसी की, इसको मैं कुछ भी बोलूंगी अपने आप गाना लगा देगी गाड़ी के अंदर, आपको बोलना पड़ता है ये बटन दबा दो ये बटन दबा दो, ये कम से कम सुनती तो है। अरे स्क्रीन के पीछे क्या पड़ रही है तो बता, मेरी मर्जी है ये, मेरे को स्क्रीन पसंद है और मुझे एमजी की गाड़ी ही चाहिए और मैं ही चला के मेरे बर्थडे वाले दिन ही आएगी, और हैरियर पहले आई ना तो आपको बाहर कर दूंगी घर से। मतलब तेरी ये जीत है कि तेरे जन्मदिन पर और बेटी के जन्मदिन पे ये गाड़ी निकलनी चाहिए, तो ये कहना चाह रही है, मतलब तेरा जन्मदिन है तो अपना वो अपना तो कहना नहीं चाह रही, ऐसा होगा समझ में आ रही है आपके, और तू भी ध्यान रख लाडी गल सुनी ही मैं कल, हैरियर पैरियर करता पे हैरियर पैरियर ना करे मेरे अगे समझ आ गई ना, जीजा से बात ही कर लेता हूँ ना कि तो और क्या कि, क्या मेरी बेइज्जती करवाते होगे जीजा के आगे, अभी जीजा को बोल दूंगी ना कि जीजू इनको बोलो कि एमजी, तो बोलेंगे एमजी लेकर आ, लड़की जो बोल रही वो लेकर आ, ज्यादा आग लगाते रहते हैं घर में, रिश्ते खराब करवाते हैं मेरे। और ये कम से कम ये जो स्क्रीन लगी है ना इसके अंदर 10 लाख रुपए की स्क्रीन है, अरे बेक भी दोगे ना 10 लाख की बिक जाएगी, कम से कम गाड़ी में नुकसान घाटा तो नहीं है कुछ, आप हरदम अपने मन में घुसेड़ के रखते हो, बस बीवी ने कहते ना ये तो कम होगा ही नहीं, ये तो अपने मन में ठान ली है आत्मा कल पाने की। जीजा से बात क्यों नहीं करने दे रही, ये बताना जीजा से क्यों नहीं बात, ये पंखे वाले क्यों करते हो, मेरे को समझ नहीं आता, ज्यादा अकड़ है क्या आप में, एक बार बोल दिया ना गाड़ी आएगी तो आएगी, तो यहीं से निकल रही हूँ अभी। अरे ये बोलना तेरा जन्मदिन है, तेरे को बस अपनी बातें रखनी है, जन्मदिन ना होता ना तो अपनी जैक लगा के देख लेती फिर, तो सारा बेटर तो यही तो खराब कर दिया ना, तेरा जन्मदिन है और कोई बात ही नहीं है, अपनी मर्जी की गाड़ी ला रही है तो अब क्या करूँ बता, कलेश करके घर तो बर्बाद करूंगा नहीं अपना मैं। सन्नी ज्यादा अपने आप को ना सिंपथी गेन मत किया करो, अपने आप को बहुत अच्छा बनाते हो आप दुनिया के आगे, समझ में आ गई ना, आ गई है बड़ी, जिसका जन्मदिन है उसकी मत पसंद की नहीं आएगी तो क्या पड़ोसियों की पसंद की थोड़ी ना आएगी, दोबारा सोच ले गुड़िया प्यार से सोच ले, टाटा हैरियर बहुत मजबूत गाड़ी है। नहीं लानी मजबूत की मजबूत, मैं कह रही हूँ चाहे मेरे मुक्का मारने से गाड़ी टूटती हो, मेरे को एमजी ही चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, बस बोल दिया ना बोल दिया, ये पता नहीं क्या क्या लगा इसके अंदर, ये मेरे को अच्छी लग रही है, ये बड़ा सा ऐसे एप्पल का वो होता है, टाटा हैरियर खोल के देख ले, मेरी बात मान ले, नहीं खोल रही मैं, आप ज्यादा ना पति वाली हरकतें मत किया करो, घर में बदमाशी है आपकी, समझ में आ गई है ना सन्नी, एक बार बोल दिया ना यही आएगी, चाहे कचड़ा गाड़ी हो चाहे कूड़ा गाड़ी हो यही आएगी, समझ में आ गई तो आ गई, टाटा हैरियर खोल के देख लो, नहीं खोल रही, अपने जिद में अड़ गई क्या, अड़ गई हूँ फिर क्या करोगे, एक बार टाटा हैरियर खोल के देख, नहीं खोल रही, क्या कर लोगे, अरे बड़ी स्क्रीन को चाटेगी, हाँ चाटूंगी, और बोलो आपको क्या दिक्कत है, आपको पता है किस बात का जलन है, कि मैंने क्यों बोल दी, आपको भी अंदर से आत्मा यही कह रही होगी कि ये एमजी हेक्टर लेनी है, लेकिन आपको ये दिक्कत हो गई तकलीफ हो रही है कि इस औरत ने क्यों बोल दिया ये लेने को, अब ये नहीं लूंगा, चाहे आप नुकसान में आ जाओ, लेकिन आपको ये चिड़ रहती है कि घर में मेरी औरत ने बोल दिया ना, ये काम तो होगा नहीं, बस
आपकी, क्योंकि आप सोचते मर्दान के नीचे हो जाएगी, अकड़ आपके अंदर ये वाली है। जीजा भी मेरी तरह गलत सोचता है, मेरा पिता भी गलत सोचता, तू सही है। खुद बोला था मेरे आगे कि एमजी हेक्टर के ज्यादा फंक्शंस जो है वो लेटेस्ट। जीजा ने खाली इतना कहा था फंक्शन है, जीजा ने ये कहा था मजबूत में है, टाटा हैरियर तगड़ी गाड़ी है। मजबूत में क्या, उसके साथ लठ बजाने हैं क्या आपने, या मजबूती मजबूती दिखा रहे हो कि लठ लेके हॉकी लेके उसके पीछे लगे रहोगे क्या 24 घंटे, तो उसको तोड़ते रहोगे उसकी मजबूती चेक करने के लिए? अरे सेफ्टी की मजबूती होती है। सेफ्टी क्या है सेफ्टी, अभी अभी सुबह वीडियो देख के आती हूँ, फॉर्चूनर खत्म हो रखी है, 200 किलोमीटर की पर आर से भगा रहे थे। सेफ्टी ऐसे होते धीरे चलाने से, समझ आ गई ना, ये नहीं होती फॉर्चूनर ले ली वो भी टूट जाती है। अकड़ रहे हैं मेरे को कलेश नहीं करना, मैं ना तेरे जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है तुम्हारी, बस 11 तारीख को जन्मदिन, एक दोनों का दिन जो आ गया तुम्हारे को बस वो चाहिए, जो कहना बस। तो चिड़ है क्या आपके अंदर इस बात की? अरे चिड़ जन्मदिन की नहीं है, कि मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं करनी कि परिवारिक कोई। अपना काम कर लो, समझ आ गई ना, चुप रह लो, एमजी हेक्टर बुक करा लो आज के आज, कल के कल आनी चाहिए, और कल मैं अपनी बर्थडे पार्टी में जाऊंगी उसी से एंट्री होगी मेरी, स्क्रीन में मेरी वीडियो भी चलेगी, अब वैसे मैं वायरल हो रही हूँ। दिखा जनता को इसको, ये वीडियो को डाल के इसके कलेश दिखा, और ये दिखा कि औरत को पति से ढंग से बैठ के बात करे। अगर ये हरकतें करी ना सन्नी, मैं बोल रही हूँ बहुत दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, और कर दो हरकतें करो चाहे कुछ भी करो, तभी एमजी ट्राई, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे। जनता को ये दिखा कि एक मियां बीबी को बैठ के तसल्ली से बात करनी चाहिए। तसल्ली वाले बंदे हो गए आप, तसल्ली वाले बंदे, हरदम कलेशबाजी सोचते रहते हो मन में। एक बार मैं कितनी बोल दिया, जब आपको पता होगी इसकी मन की, तो आप पहले क्यों बकवास इतनी बाजी करते हो, इतनी करने की हरकतें करने की जरूरत नहीं है, पहले बोल दो ठीक है तुमने कह दिया ना आ जाएगी। चलो वो जनता डिसाइड कर लेगी दोस्तों, 11 फरवरी इसका और मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो ये औरत जो होता है ना जिद पे आ जाती है कि नहीं मेरे को ये लेना है, मेरे को वो करना है, तो बर्थडे आ गया उसका फायदा उठा रही है, बर्थडे आ गया अपना रोब जमा रही है। आप ना जनता की बातें कम करो, तो कमेंट आ जाएंगे। आपको एक बार कमेंट आ जाएंगे, आप में दम हो ना तो हैरियर ला के दिखा देना, बस आप में दम हो तो हैरियर ला लेना। जनता लो मैं घर को खराब नहीं करूंगा, दोस्तों खाली इतना बता देना टाटा हैरियर तगड़ी गाड़ी है, एमजी हेक्टर तगड़ी गाड़ी है, बस आपकी राय चाहिए मेरे को, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरे को पता लग जाएगा सन्नी आ रहा सही था, खत्म। जनता ने बोल दिया ना एमजी हेक्टर, ध्यान रखेगा। वो कहाँ जा रही है, ढंग से बात खत्म करिए, कहाँ जा रही है? अरे क्या अपनी शॉपिंग करने नहीं जाऊँ क्या, बर्थडे मेरा कल, आपको हर चीज से तकलीफ क्यों है मुझे ये बता दो, फिर जाओ उठ के यहाँ से बहस करो, तो आपको चाहिए नहीं वो, कोई उठ के चले अपने कान से मतलब रखा करो, समझ में आ गई ना।